हेलो गाइस, तो चलिए आज आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है, जो मॉडल है ये वाला, जो मॉडल है थंडर बोल्ट या फिर बोल्ट चिमनी, वो इंक्लाइंड होगा, लेकिन ये वाला मॉडल है थंडर बोल्ट। ये वाला चिमनी अगर आपका घर में ले चुके हैं या फिर लेने के लिए सोच रहे हैं, तो इसका पहले जो है स्टीम वॉशिंग वो पहले देख लीजिए किस प्रकार से आप इसमें जो है चिमनी में स्टीम वॉशिंग क्लीन करता है। तो फुल प्रोसेस आज लाइव करके दिखाएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा लीजिए। फिर क्या होगा, आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, एकदम फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा किस प्रकार से ये ऑटो क्लीन प्रोसेस को, स्टीम वॉशिंग जो प्रोसेस है उसको करता है। एकदम दिखा देते हैं, और आपका घर में जब चिमनी आप ए वाला चिमनी मॉडल को लेंगे तो आपका घर में वैसा ही सेम टू सेम मैं जो भी करके दिखा रहा हूँ वैसा ही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको ये जो बोतल है इसमें आपको फुल पानी ले लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लीज़ यूज़ प्योर वाटर, आपको सादा पानी लेना है। वहाँ पर 750 ml इसमें घुसेगा, तो पूरा फिल कर लेना है। इस प्रकार जो यहाँ पर जो पाइप दिया गया है इसके साथ इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, उसमें घुसा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कनेक्शन वगैरह सब कुछ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें करंट भी दिया हुआ है। इसके आपको कौन सा प्रोसेस करना है, बाकी सभी स्विच का प्रोसेस आपको पता है। अगर नहीं पता है तो इस चैनल में इस वाला जो वीडियो है, मतलब इसी मॉडल का ऑलरेडी एक वीडियो दिया गया है, वो बोला वीडियो देख लीजिएगा, हर एक स्विच का काम आपको अलग से पता चल जाएगा। अभी जो है स्टीम वॉशिंग किस में होगा, कैसे होगा वो बताएंगे। तो आपको सबसे पहले पावर स्विच को देना होगा, पावर स्विच को अगर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक और दो स्पीड है, तो दो स्पीड में ये चल रहा है, तो इसको पहले बंद कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आपको पता चल गया तो इसमें करंट है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये जो स्टीम वॉशिंग ऑप्शन है इसको आपको दबा के रखना है करीबन 3 सेकंड तक। 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो देखिए अभी ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई लाइट है नहीं। जेस्चर में देखिए लाइट है, मतलब हैंड जेस्चर एक्टिव है, लेकिन ए वाला एक्टिव नहीं है। देखिए ओनली यहाँ पर लाइट दिखा रहा है, ठीक है। इसके जेस्चर से काम करेंगे तो भी जेस्चर से काम होगा। इसको अगर बंद करना चाहते हैं तो जेस्चर को आप दबा दीजिएगा तो क्या होगा, जेस्चर आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखिए जेस्चर में भी बंद है, ठीक है। इस प्रकार से आप जेस्चर को भी बंद कर सकते हैं तो जेस्चर आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। जेस्चर भी सीख लिए हैं। अब स्टीम वॉशिंग जो मेन है, स्टीम वॉशिंग, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको आपको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। 3 सेकंड तक जब प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट का जो है टाइमर यहाँ पर उठ गया है। तो 15 मिनट तक हो गया क्या, 15 मिनट में 12 मिनट तक आपका क्या होगा, यहाँ पर जो पानी घुसा है, ठीक, इसमें जो पानी रहेगा 12 मिनट तक पानी उसमें जाएगा। तो ये 15 मिनट आपको इसमें होगा क्या, ये 15 मिनट क्या होगा, इस 15 मिनट में 12 मिनट तक इसमें से जो भी पानी होगा ये पानी इसमें जाएगा, इसका अंदर में जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए पाइप के माध्यम से देखिए जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो ब्लोअर है, ब्लोअर पे मतलब जो रोटर है वो कुछ देर बाद करीबन 15-20 सेकंड बाद ये देखिए इस प्रकार से घूमेगा, और जब घूमेगा तो क्या होगा, उसमें तो उसमें पानी देगा। अभी इसमें खाली बोतल है जिसके वजह से उसमें पानी नहीं जा रहा है, तो हम जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसमें पानी जाएगा। तो इस प्रकार घूम घूम के पूरा क्लीन हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार 12 मिनट तक इस प्रोसेस में चलेगा। अगर इसमें पानी ख़त्म हो जाता है, अगर मान लीजिए इसमें पानी नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर इसमें पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये जो 15 मिनट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जैसे 14 मिनट हो गया है, तो अभी क्या 14 मिनट, उसके बाद क्या, उसके बाद 12, 13, 11 इस प्रकार से आना चाहिए। लेकिन अगर इसमें पानी नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट, ऑटो क्लीन प्रोसेस जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, और उसमें E4 बोल के लिखा आएगा। E4 मतलब इसमें जो है पानी जो है उसमें आपका ख़त्म हो चुका है, जिसके वजह से फुल जो स्टीम वॉशिंग प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, इसमें E4 लिखा आएगा। आपको अगर नहीं पता चला, देखिए कुछ देर में देखिए यहाँ पर E4 आएगा, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, जिसके वजह से आप लोगों को हम खोल के दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ये प्रोसेस चालू किए हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। आप अगर इसको लेंगे तो आपका घर में तो आपको करना तो पड़ेगा, लेकिन आप अगर इसको ले लेंगे और आप कर देखिए यहाँ पर देखिए
आवाज़ आया और ई फोर देखिए ऑप्शन आ गया। होना क्या चाहिए था 12, 10, 11, 9, 8, 7 इस प्रकार से इसमें होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए ई फोर आ गया है। अभी देखिए कुछ भी काम नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ना लाइट जल रहा है ना कुछ हो रहा है, और अंदर में देखिए ना ये देखिए जो रोटर घूम रहा था वो बंद हो गया है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से तो ये अभी इसी अवस्था में रहेगा जब तक आप इसको ये जो स्विच है देखिए यहाँ पर ये लाइट जल रहा है इसको बंद करेंगे तभी जाके ये जो है ये बंद होगा, स्टीम वॉशिंग जो है ये बंद होगा, नहीं तो ये इसी अवस्था में रह जाएगा, ठीक है। तो अभी जो आपको दिखाना चाहते हैं तो ये खाली है, देखिए इसके अंदर में पानी नहीं है, ठीक है, और जिसके वजह से इसमें जो है ई फोर आ गया। तो आप लोग इसको फुल पहले कर लीजिएगा, फुल करने के बाद जो है स्टीम वॉशिंग प्रोसेस को चालू कीजिएगा, फिर क्या होगा 12 मिनट तक आपका जो है जो प्रोसेस, देखिए हमने इसको बंद कर दिए, दोबारा हम चला के आपको दिखा देते हैं, इसको 3 सेकंड तक प्रेस कीजिएगा तो इस प्रकार से, ठीक है। तो 12 मिनट तक आपका इस प्रकार से पूरा चलेगा, और ये 12 मिनट तक आपको ये जो पानी है इसका पानी 12 मिनट तक इस जो ब्लोअर है इसमें देगा, और देने के बाद क्या होगा, देने के बाद जो होगा 12 मिनट के बाद लास्ट जो 3 मिनट है, लास्ट 3 मिनट में क्या होगा, इसमें तो पूरा जो है पानी वगैरह भीग गया होगा, तो उसको सुखाने के लिए लास्ट में क्या होगा, ड्राई होगा। ड्राई होगा मतलब जो है ब्लोअर जो है चिमनी जब है वो चलने लगेगा। किस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको दिखा देते, देखिए चिमनी फुल रन करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वॉशिंग होगा 12 मिनट तक, 3 मिनट ड्राई वॉशिंग होगा। क्या होगा, ड्राई एयर ड्राइंग होगा, मतलब जो चिमनी है फुल स्पीड में आपका चलने लगेगा 3 मिनट तक, मतलब टोटल होगा 15 मिनट, उसमें से 12 मिनट होगा स्टीम वॉशिंग, 3 मिनट आपका ड्राई वॉशिंग होगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या, उसके बाद आप लोगों को जो मतलब 15 मिनट अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हमने इसको खोल के रखे थे, तो इसमें जो होगा यहाँ पर जो कि ऑयल कलेक्टर हमने खोल दिए थे, तो ऑयल कलेक्टर में क्या होगा, जितना सारा पानी है, पानी गंदा पानी जो है इसमें जमा होगा, इस गंदा पानी को आपको फेंकना है, बाहर में फेंकना है, इसको क्लीन करना है, दोबारा उसे लगा देना है। अगर आपको इसको भी साफ़ करना है तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए इस प्रकार से ये लगा हुआ था, दो स्क्रू था, यहाँ पर एक स्क्रू था, इस साइड में एक स्क्रू था, हमने स्क्रू को पहले ही खोल लिए थे, ठीक है, स्क्रू को पहले ही हमने खोल लिए थे। देखिए यहाँ पर 2 स्क्रू है, तो स्क्रू खोलेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा, और इसको कहा जाता है कॉर्न फिल्टर, ये फिल्टरलेस का ही एक प्रकार टाइप है, ठीक है, तो ये भी कॉर्न फिल्टर है। तो देखिए इसके ऊपर में और एक फिल्टर यहाँ पर ऐड किया गया है, इसको भी आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये खुल गया है, और इस प्रकार से ये अटैच रहता है, और बाकी ये इस प्रकार से आप लोग इसे लगा भी सकते हैं खुद से, एकदम इजी प्रोसेस है। तो आप लोग अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं, मतलब खुद से घर में फिल्टर को खोलना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप इसे फिर दोबारा दूसरा जो नाट है इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को फुल प्रोसेस पता चल गया कि इसमें जो है स्टीम वॉशिंग प्रोसेस किस प्रकार से इसमें करना है और कितना मिनट तक होता है। और एक चीज़ आप लोग अगर स्टीम वॉशिंग को बंद करना चाहते हैं, ठीक है, एक चीज़ आप लोग अगर स्टीम वॉशिंग अगर आपका चल रहा है और आप उसको तुरंत उसको बंद करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको दबाने के लिए ज़रूरत नहीं, आपको तुरंत इसको दो बार दबा दीजिएगा तो क्या होगा, आपका जो है स्टीम वॉशिंग बंद हो जाएगा तुरंत, और उसके बाद आप चिमनी को रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको दो बार फटाक से दबा दीजिएगा तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप अगर जो इसको एक बार अगर दबाएंगे तो उसमें वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वो उसका जो है स्टीम वॉशिंग वो बंद हो जाएगा। देखिए डिटेल्स में यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा, देखिए यहाँ पर जो चीज़ मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए आपको इसको दो बार ट्विस्ट आपको प्रेस करना होगा, फास्ट फॉरवर्ड और एंड करने के लिए आपको दो बार इसे शॉर्ट प्रेस कर देना होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा लीजिए, फिर क्या होगा आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।